नार माने जल और आयन माने घर। जिसका घर ज्ञान रूपी जल में है, अर्थात ज्ञान जल में ही सदैव निवास करता है, वो नारायण है। तो ज्ञान उस समय रहेगा या उड़ जाएगा? रहेगा। और ज्ञान नंबर वार रहेगा कि सबके अंदर एक जैसा रहेगा? नंबर वार रहेगा। तो नंबर वार नारायण है, एक जैसे नारायण नहीं है। और कुशांति समय का नाम है शंकर, और जब संपन्न रूप होता है उसका नाम पड़ता है कि नारायण। हाँ जी, जब नारायण बन जाता है तो शक्तियों को प्रेरणा कैसे देता है, विनाश का प्रेरणा कैसे देता है? कोई पार्ट लगातार एक जैसा नहीं चलता है। ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये शंकर, संगम युग रहते रहते तीनों पार्ट मौजूद रहते हैं या बीच में खत्म हो जाते हैं? है? अरे ब्रह्मा एक का नाम है क्या? अनेकों का नाम ब्रह्मा है। तो नंबर वार ब्रह्मा होंगे या एक जैसे ब्रह्मा होंगे? नंबर वार है। ऐसे ही विष्णु नंबर वार है या एक जैसे हैं? नंबर वार है। तो आगे पीछे होंगे या एक ही टाइम पर होंगे? जरूर आगे पीछे होंगे। और लेकिन जब संपन्न बनता है तो शंकर नहीं कह सकते हैं बाबा, वो नारायण कह सकते हैं। जब संपन्न बन गया, जिनका चित्र देखा जाता है उस चित्र से चरित्र की याद आती है। शंकर के चित्र से कौन से चरित्र की याद आती है? याद में बैठा हुआ है या संपूर्ण है? तो अपूर्ण है या संपूर्ण है? अपूर्ण है। तो अंत तक अपूर्ण नहीं रहता है ना? तीनों चित्र, ब्रह्मा हो या विष्णु हो या शंकर हो, ये सारे संगम युग में हैं या नहीं है? सारे संगम युग में एक एक सेकंड का अंतर है। और ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? एक सेकंड। और सच्चे और झूठे, दस धर्म हैं। तो नंबर वार हैं या एक जैसे हैं? तो 100% सच्चा धर्म कौन सा कहा जाएगा? जिसका नाम ही है सत्य सनातन धर्म। धर्म कैसा है? सत्य धर्म है। उस सत्य धर्म में, उस गिनती में जितने आने वाले होंगे
वो सब सच्ची बात सुनाने वाले होंगे या झूठी बातें सुनावेंगे? वो नाम ही है सत्य सनातन धर्म। सत्य आत्मा है या सत्य देह है, वो क्या बन जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? सत्य आत्मा बन जाते हैं। आत्मा बन जाने के कारण वो ज्ञानी तो आत्माएं हैं। उस धर्म की प्रजा में भी एक खसूसियत है और उसी धर्म में ये खसूसियत है कि वो ज्ञानी तो आत्माएं होती है। और धर्म में कन्वर्ट होने वाली ज्ञानी तो आत्माएं नहीं कही जा सकती। और तो जो सनातन धर्म में जो भी आते हैं वो सब होता में देश देते हैं। नंबर बार देते हैं अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है तो 100% अपना पोता मिल देने वाला एक है, बाकी फिर नंबर वार। और दस इंद्रियों और दस धर्मों का कोई कनेक्शन है? इंद्रियां दस हैं या ग्यारह हैं? हैं? ग्यारह इंद्रियां हैं। जो दस इंद्रियां हैं उनमें दो प्रकार की हैं, एक ज्ञानेन्द्रिय और दूसरी कर्मेन्द्रिय। कौन सी ज्यादा श्रेष्ठ है? ज्ञानेन्द्रिय ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियों का भी मुखिया कौन है? मन ही मुखिया है। जिसके लिए बोला है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, ये कहा किसने? कौन सी आत्मा ने कहा? सुप्रीम सोल शिव ने कहा मन मना भव। और मन चलायमान होता है या निश्चल होता है? मन तो सदैव चलायमान होता है। तो किसने कहा मन मना भव? शिव ने कहा। शिव को मन होता है चलायमान? शिव को तो मन होता ही नहीं। मन का काम है संकल्प विकल्प करना। शिव के धाम परम धाम में संकल्प विकल्प होते हैं? 5000 वर्ष तक शिव परम धाम में रहता है, संकल्प विकल्प चलते हैं क्या? नहीं चलते हैं। तो जो बोला मन मना भव वो कब की बात है? है जब शिव प्रवेश करता है। जब शिव प्रवेश करता है किस में प्रवेश करता है? है जब मनुष्य सृष्टि का बाप में प्रवेश करता है। मनुष्य सृष्टि के बाप प्रजापिता में प्रवेश करता है
तब की बात है। मन मना भव, मेरे मन में समा जा। और वो मन रूपी ब्रह्मा एक ही है या अनेक भी हैं? एक ही है ब्रह्मा, एक है या अनेक हैं? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। जिस नंबर के ब्रह्मा, उसी नंबर के ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। तो किसके लिए कहा? मेरे मन में समा जा। वो मेरा मन कौन है? जो सभी ब्रह्मा रूपी बनने वाली विष्णु की भुजाओं को कंट्रोल करने वाला है। विष्णु की भुजाएं अपने आप कंट्रोल होती हैं या उनको भी कोई कंट्रोल करने वाला है? है? कंट्रोल करने वाला है। उसके लिए बोला मन मना भव, मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समाजा, अर्थात जो मेरा है, मेरा मन है, उसमें जो संकल्प चलता है उसमें अपने को समा दे, अर्थात संकल्प मात्र भी विरोधी नहीं बने, वाचा से विरोध करना, दृष्टि से विरोध करना, कर्मेंद्रियों से विरोध करना, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्या? कैसा मन मना भव? मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं, जो वाइब्रेशन चलते हैं, उनके अनुकूल रहना है, प्रतिकूल नहीं चलना है। इसी को कहते हैं मन मना भव। और तो सवाल था, दस इंद्रियों और दस धर्मों का कोई कनेक्शन है? दस धर्मों में कौन से धर्म के मुखिया के अनुकूल चलना है? अरे दस धर्म हैं तो दसों धर्मों का कोई धर्म पिता है या नहीं है? तो कौन से धर्म के धर्म पिता के अनुकूल चलना है? अरे दस धर्मों का तो पता है, नहीं है? है? पता है? सूर्यवंश, चंद्रवंश, इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि, उनके धर्म पिताएं भी हैं। तो कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ? कनेक्शन है। अष्टदेव ही नवग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। पूजा का आधार क्या है? हैं? पवित्रता। तो ग्रह बीज
उनके आधार जड़ें। अष्टदेव अष्टनारायण और उन नारायणों में प्रवेश करने वाले अष्ट धर्म पिता, ये तीनों मिलते हैं तो नवग्रह करे जाते हैं। फिर अष्टदेव ही नवग्रह के रूप में क्यों पूजे जाते हैं? आप बताओ, आठ नारायण ज्यादा पवित्र होते हैं, उनमें प्रवेश करने वाले आठ धर्म पिताएं ज्यादा पवित्र होते हैं, या आठ नारायणों को जन्म देने वाले अष्टदेव ज्यादा पवित्र होते हैं? है, ज्यादा पवित्रता कौन धारण करते हैं? अष्टदेव ही ज्यादा पवित्रता धारण करते हैं, तो पूजा किसकी होनी चाहिए? है, अष्टदेव की ही पूजा होनी चाहिए। पूछा है इक्कीस जन्मों का गायन भक्ति मार्ग में कोई होता है? है? अरे भक्ति मार्ग में 63 जन्म होते हैं या 21 जन्म होते हैं? है, 63 जन्म ही तो होते हैं, उन्हें ज्ञान मार्ग का क्या पता? तो गायन भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में बहुतों के नाम लक्ष्मी नारायण होते हैं, आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी ज्यादा के नाम होते हैं या नारायण ज्यादा के नाम होते हैं? क्योंकि नारायण नाम उत्तर भारत में भी होते हैं, लक्ष्मी नाम उत्तर भारत में नहीं होते हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में लक्ष्मी नाम ज्यादा होते हैं या नारायण नाम ज्यादा होते हैं? है, कंट्रास्ट बताओ। है, अरे ज्यादा नाम किसके होते हैं? दो नाम है, लक्ष्मी और नारायण। है, लक्ष्मी नाम बहुत माताओं कन्याओं के होते हैं, नारायण नाम इतने पुरुषों के नहीं होते हैं आंध्र प्रदेश में। फिर लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर यहां आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं है? ज्ञान मार्ग में ब्राह्मणों के दो ग्रुप हैं, एक ज्ञानियों का ग्रुप जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है, और दूसरा किसका? अज्ञानियों का ग्रुप जो विजयमाला कही जाती है, बनी नहीं है अभी, रुद्रमाला बन रही है लेकिन विजयमाला अभी बन भी नहीं रही है और बनी भी नहीं है। विजयमाला की मुखिया कौन है? है,
अरे बात किसकी हो रही है? लक्ष्मी की बात हो रही है। तो विजयमाला की मुखिया कौन है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का जितना भी ग्रुप है वो सारा ग्रुप अज्ञान के अंधरों का ग्रुप है या ज्ञानियों के सोझरों का ग्रुप है? है अज्ञान के अंधरों का ग्रुप है। बाबा ने उसे अंधरे और लंगड़े की कहानी बताई है। जो लंगड़े हैं वो प्योर हैं, पवित्रता के लंगड़े हैं, और जो अंधरे हैं वो ज्ञान के अंधे हैं, लेकिन पवित्रता बहुत है। क्यों पवित्रता बहुत है? भारतवर्ष के जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के मुकाबले वो स्टेट कौन सा है जो सागर के सबसे जास्ती नगर नजदीक है? एक आंध्र प्रदेश ही है भारत के स्टेट्स के बीच में जो सागर के सबसे जास्ती नजदीक होता है, रहता है। तो बेहद में जो अंधरा है, विजयमाला का मुखिया है, वो 63 जन्म सबसे जास्ती संघ के रंग में सागर के रहता है। इसलिए आंध्र प्रदेश जो अंधरों का प्रदेश है वो सागर के नजदीक है या दूर है? नजदीक है। और जो सागर के नजदीक है वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं है। जो सागर से दूर है प्रदेश उत्तर प्रदेश आदि, वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर बहुत है। क्यों? लक्ष्मी अकेली है तो मंदिर है, या लक्ष्मी की शादी नारायण से हो जाती है तब लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं? है शादी हो जाती है तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनते हैं। तो नारायण को भगवान कहा जाता है, भगवान का प्रदेश कौन सा है? मगध देश है भगवान का प्रदेश, चाहे वो शंकर भगवान हो काशी नगरी, चाहे वो कृष्ण भगवान हो मथुरा वृंदावन, चाहे वो राम भगवान हो अयोध्या, तीनों ही नगरियां भगवान के मंदिर के लिए प्रसिद्ध हैं। लक्ष्मी सिंगल है, निवृत्ति मार्ग में है तो वहां लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं है। जब वही लक्ष्मी प्रवृत्ति मार्ग में जाती है तो उत्तर भारत में उसके मंदिर हैं। त्रेता के अंत में अर्ध विनाश होता है, आधा विनाश। तो 10 करोड़ में से कितने लोग बचेंगे? अरे कितने बचेंगे?
अरे विनाश का नाम क्या दिया? अर्धविनाश। अर्धविनाश माने आधा विनाश, तो कितने बचे? 5 करोड़ ही बचेंगे, उससे ज्यादा क्यों बचेंगे? बाबा कहते हैं कि विजय माला का आवाहन करो, है लेकिन उसमें जन्म जन्मांतर की पवित्रता है, है? लेकिन एक पीढ़ी में कहे कि उसमें शिव के साकारी संघ की रंग की प्यूरिटी को प्राप्त करने वाली की स्टेज अभी लक्ष्मी में नहीं है, हाँ? अभी तो शिव साकार में है, हाँ? शिव के साकारी संघ की रंग, हाँ? उसकी प्यूरिटी को प्राप्त करने वाली स्टेज, हाँ? अभी लक्ष्मी में नहीं है, नहीं है, क्योंकि अभी पक्की जानकारी नहीं है ना बाप की कि वो एवर प्योर प्रैक्टिकल में बाप कौन है। जब ये जानकारी हो जाएगी तो याद भी प्रैक्टिकल हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, या कच्ची याद रहेगी? अभी संशय बुद्धि की याद है या निश्चय बुद्धि की याद है? अभी संशय बुद्धि की याद है। फिर निश्चय बुद्धि की याद होगी, ब्रह्मा सो 1 सेकंड में विष्णु बन जाएगा, लास्ट में आने वाली आत्मा कैसी चली जाएगी? फास्ट चली जाएगी। कौन सी पावर के आधार पर? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के आधार पर। ओम शांति। आज लगता है माताएं भाई लोग क्लास में पहले आके बैठ गए थे क्या? हाँ, बाबा के आने से पहले बैठ गए थे क्या? कितना पहले बैठ गए थे? हाँ, आधा घंटा याद में बैठे रहे कि बातें करते रहे? हाँ, कि कोई कोई याद में बैठे रहे, कोई कोई बातें करते रहे? हाँ, अगर भगत होंगे तो बातें करते रहे, और ज्ञान कुछ बुद्धि में बैठा है तो जरूर याद करते रहे होंगे। फिर भी कुछ तो याद किया ना, तो वातावरण वायुमंडल बाबा के आवाहन करने का बन जाता है। क्या वातावरण कैसा बन जाता है? बाबा के आवाहन करने का बन जाता है, और बाबा के आवाहन करने का वातावरण पहले से बनता है तो मुरली बहुत बढ़िया चलती है। क्या? हाँ, लोग कहेंगे ये अनंतपुर वाले तो हिंदी जानते ही नहीं है, ये तो बुद्धू है, ये क्या ज्ञान जानेंगे? तो देखो बाबा क्या समझते हैं, ये ज्ञानी है या अज्ञानी है? हैं? हाँ जी, हाँ जी, कलकत्ता या पटना जो है ना, जिसका नाम पहले पाटलिपुत्र था, वो मगध देश की राजधानी थी पुराने जमाने में, 1,000-1,500-2,000 साल पहले की बात है। जब चाणक्य और चंद्रगुप्त का राज्य था, उस समय से लेते लेते अब तक नदियों का रास्ता बदल गया होगा या नहीं बदल गया होगा? हैं? नदियों का रास्ता बहुत कुछ बदल गया, तो वो देश देशांतर भी थोड़े बदल जाते। माना वो नॉर्थ इंडिया का वो हिस्सा जिसको बाबा ने बोला है मगध देश है, मगरमच्छों का देश। किसका देश? मगरमच्छों का देश। मगरमच्छ के ऊपर किसकी सवारी होती है? अरे गंगा की सवारी किसके ऊपर होती है?
मगरमच्छ के ऊपर गंगा की सवारी दिखाई जाती है। माना गंगा के किनारे के आसपास का प्रदेश जो है वो कौन सा देश कहलाता था? हैं? मगध देश। उसमें फरक्काबाद भी आ जाता है और उसमें पटना भी आ जाता है, बनारस भी आ जाता है, इलाहाबाद भी आ जाता है, कानपुर भी आ जाता है। ये सारा क्या हुआ? ये मगध देश हो गया। भगवान कहाँ आते हैं? मगध देश में आते हैं। और मगध देश माना है मगरमच्छों का देश है, है। और स्कंद पुराण में है, स्कंद पुराण में कल की पुराण स्कंद पुराण नमकम चमकम सुषुप्तम पुरुषोत्तम। चलो कोई कुछ भी सही। हाँ आगे ये तीन नाम तो हुए और नमकम चमकम पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम सुषुप्तम। चलो इसके बारे में अर्थ के बारे में इसके अर्थ के बारे में पूछते हैं। अच्छा माने बाबा ने जो अभी तक सुनाया उस बारे में कुछ नहीं पूछते हैं, हैं? बाबा ने शास्त्रों में से जो सार निकाल निकाल के बताया उस बारे में कुछ नहीं पूछते। स्कंद पुराण के बारे में पूछते हैं। और स्कंद नाम किसका है? शास्त्र में कोई स्कंद नाम का है नहीं है? कौन है स्कंद है? कौन? कुमार स्वामी। कुमार स्वामी किसका नाम है? हैं? बताओ बताओ बताओ। सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी किसका बच्चा है? कहते हैं शंकर का बच्चा कौन है? वो सन्यासी था या गृहस्थी था? हैं? सन्यासी था। तो सन्यासियों की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? क्या घरबार छोड़ छाड़ने का विचार है क्या? हैं? क्यों घरबार छोड़ छाड़ के भागना चाहते हो क्या? हैं? बोलो। बाबा ने तो मुरली में ये बोला है कि शास्त्रों में जो सार की बातें हैं वो शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, बाकी जो मैं नहीं सुनाता हूँ वो क्या है? सार है या भूसा है? है? वो भूसा है, घास फूस है, उसकी बात मैंने, उसमें आग लगने वाली है, भूसे में आग लगने वाली है। तो जैसे दुनिया में आग लगने वाली वो काई के लिए पूछते हो? है? और आगे अरे कुछ नहीं बोलोगे तो लोग बाग कहेंगे तो वाकई हिंदी नहीं जानते हैं। दूसरा धर्म माना दूसरा धर्म है। दूसरा धर्म माने जो आत्मा को आत्मा की स्थिति में न टिक पाए, क्या इस जन्म में आत्मिक स्थिति में न टिक सके, स्वधर्म माने अपना धर्म और परधर्म माने दूसरा धर्म। तो परधर्म कौन कौन से हैं और स्वधर्म कौन सा है? तो कौन ऐसी आत्माएं हैं
जो जिंदगी के रहते रहते इसी जन्म में स्वधर्म में टिक जाती है, आत्मा की स्थिति में टिक जाती है। कौन सी आत्माएं हैं? वो सूर्यवंशी आत्माएं हैं। भले चंद्रवंशी भी होते हैं थोड़े, चंद्रवंशियों में से भी थोड़ी कन्याएं ऐसी निकलेंगी, भाई भी हो सकते हैं जो विजयमाला के मणके बनने वाले होंगे, वो चंद्रवंशी आत्माएं अपने चंद्रवंश को छोड़ के क्या बन जाएंगे? सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो वो भी सूर्यवंशी हैं। बाकी सारे चंद्रवंशी भी परधर्म है। क्या? कौन सा धर्म उनका? परधर्मी है। उनसे पैदा होने वाले इस्लामी भी परधर्मी है। बौद्धी, क्रिश्चियन, जितने भी धर्म बाद में आते हैं वो सब परधर्मी है। जो परधर्मी है वो इस दुनिया में, इस जीवन में बाप से विश्व की बादशाही नहीं पावेंगे। बाप के धर्म के नहीं है, बाप को पूरा पहचान नहीं पाते, पहचानते हुए भी नहीं पहचान पाते, औरों को पकड़ लेते हैं। तो वो सब हो गए परधर्म। और जो बाप को पक्का पक्का पहचान लेते हैं वो बाप की बात मानते हैं। बच्चे, पहला बाप का डायरेक्शन क्या है? अपन को बस। और भक्ति मार्ग में परमात्मा को पूज्य बनता है, पुजारी बनता है, बोला ना? भक्ति मार्ग में परमात्मा के लिए कहते हैं तुम ही पूज्य हो, तुम ही पुजारी हो। ब्राह्मण दुनिया में शूटिंग कैसे होता है? वो अभी तो बताया, वो बीके वाले क्या समझते हैं? है, है? कृष्ण को, कृष्ण मनुष्य है या भगवान है? मनुष्य है, उसको क्या समझते हैं? पूज्य समझते हैं कि नहीं समझते हैं? वो पूज्य समझते हैं, वो ही पुजारी, वो ही पूज्य। और बाबा हाँ। तुम्हारे साथ वो प्रधानाचार्य बैठा हुआ, उसको उसे पूछ लो। मुरली में कहते हैं क्या सारा मंथन करके दूसरों को समझाना है। हाँ, दूसरों को तब समझाना है जब पहले अपने मन के अंदर बाबा की कही हुई बातों पर विचार सागर मंथन कर लो। क्या खुद विचार सागर मंथन किया नहीं, खुद समझे नहीं और दूसरों को समझाना शुरू कर दिया? गीता का भगवान क्या समझाते हैं? गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, कौन है? शिव बाबा है। तो ऐसा समझाने वाले जो बेसिक में बैठे हैं वो खुद समझते हैं? हैं? नहीं समझते। तो बाबा का डायरेक्शन ये है, पहले उस बात पर गहराई से विचार करो कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है और शिव कैसे है। तो विचार करने से बुद्धि में बात आती है। क्या? कि दुनिया में जिनके जिनके चित्र हैं उनका कोई न कोई चरित्र होता है, चित्र से ही चरित्र साबित हो जाता है। तो कृष्ण का चित्र दुनिया में है या नहीं है? और कृष्ण की पूजा होती है या नहीं होती है? होती तो है। लेकिन कृष्ण जब अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनता है तो ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। मंदिर बनते हैं तो शरीर की पूजा होती है या आत्मा की होती है?
यहाँ तो ब्रह्मा के शरीर की बात हो रही है। जगदम्बा का शरीर अलग और ब्रह्मा का शरीर अलग, तो ब्रह्मा की पूजा होती है या नहीं होती है? नहीं होती। मंदिर बनते हैं या नहीं बनते हैं? नहीं बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं या नहीं बनती हैं? नहीं बनती हैं। इससे साबित होता है क्या कि ब्रह्मा गीता का भगवान नहीं हो सकता? ब्रह्मा के मंदिर ही नहीं है और भगवान के तो ढेर के ढेर मंदिर है। दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर किसके हैं? हैं? भगवान के हैं, क्योंकि भगवान ही सबसे जास्ती पावन है। जो सबसे जास्ती पावन होगा उसके सबसे जास्ती मंदिर होने चाहिए या नहीं? उसी की दुनिया में सबसे जास्ती मंदिर ब्रह्मा की नहीं है। इसका मतलब ब्रह्मा पतित है या पावन है? ब्रह्मा पतित है। मुरली में भी मना कर दिया, ब्रह्मा का चित्र भी नहीं रहा। ये तो पतित है। दाढ़ी मूछ वाला क्या होता है? पतित है। उसको भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान वो ही हो सकता है जो एवर प्योर है। कैसा प्योर है? एवर प्योर है। साधारण प्योर तो देवताएं भी होते हैं, उनको पूजा होती है, लेकिन भगवान तो डबल पूज्य है, एवर प्योर है। कैसे एवर प्योर है? नहीं, दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, ऐसे तो जानवरों की भी पूजा होती है, चाहे मनुष्य मात्र हो चाहे जानवर हो, लेकिन उनके लिंग की पूजा किसी की नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लिंग संग के रंग में जब आते हैं तो शक्ति छीन हो जाती है। और शंकर के लिए क्या गायन है? अमोघ वीर्य। शंकर का नाम किसके साथ जुड़ता है? एक शंकर ही देवता है 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? जैसे शिव पूज्य है, पावन है, एवर प्योर है, लेकिन वो शिव ज्योति बिंदु का नाम है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल कहा जाता है शरीर के द्वारा। वो शिव ज्योति बिंदु जब शरीर में आता है तो शरीर के द्वारा ऐसा पुरुषार्थ करके संसार के सामने रख देता है कि उसका लिंग ही पूजा जाता है और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता है। संग के रंग में है। मंदिर में क्या दिखाया है? मंदिर में पार्वती की आंख दिखाई गई है, नाक दिखाई गई है, हाथ दिखाए गए हैं जिसमें शिवलिंग रखा है, या स्त्री का चिन्ह रखा हुआ है, स्त्री चोले का चिन्ह रखा हुआ है, या दूसरे अंग रखे हुए हैं? स्त्री चोले का अंग रखा हुआ है, जलाधारी कहते हैं उसे, तो उस जलाधारी में शिव रखा हुआ है लिंग के रूप में। इतना संग का रंग 24 घंटे का दिखाया जाता है मंदिर में, फिर भी वो पतित नहीं बनता, वो एवर प्योर है, इसलिए उसकी पूजा होती है। वो ही भगवान हो सकता है। कौन? जिसको शिव शंकर भोलेनाथ कहा जाता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो कौन है एवर प्योर, कहेंगे बिंदी। अरे बिंदी का कोई प्रूफ होना चाहिए ना। आज की दुनिया बुद्धिमानों की दुनिया है या बुद्धुओं की दुनिया है? बुद्धिमानों की दुनिया है। बुद्धिमान लोग बिना प्रूफ और प्रमाण के मानेंगे नहीं, तो उनको प्रूफ और प्रमाण मिलना चाहिए। दुनिया भी मनुष्यों के मुकाबले 500-700 करोड़ मनुष्यों के मुकाबले जो शंकर पार्टधारी है उसके पार्ट में वो खसूसियत होनी चाहिए
जिससे वो एवर प्योर साबित हो जाए। देवताएं भी पवित्र बनेंगे लेकिन अन्य इंद्रियों से पवित्र तो बनेंगे, अन्य इंद्रियों का संग करेंगे तो भी पवित्र बनेंगे, लेकिन लिंग का संग करके सदा काल के लिए पवित्र बन जाए ऐसा कोई भी नहीं बन सकेगा। कौन बन सकेगा है? जो कहा जाता है गायन है देव देव महादेव, शिव जो है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन देवताओं के द्वारा त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, लेकिन तीनों मूर्तियों में देव ब्रह्मा देव विष्णु देव शंकर महादेव कहा जाता है। अकेले शंकर को ही महादेव क्यों कहते हैं जबकि तीनों के द्वारा त्रिमूर्ति शिव है, तो ब्रह्मा को ब्रह्मा की मूर्ति को महादेव क्यों नहीं, विष्णु की मूर्ति को महादेव क्यों नहीं कहते? उन दोनों के मुकाबले उस तीसरी मूर्ति ने कुछ महान कार्य करके दिखाया होगा ना, तो जो कार्य महान करके दिखाया है उसके आधार पर ये गायन होता है। और मतलब विचार साधन जो बातें आती हैं वो दूसरों को समझाना है। हाँ, कोई बात आई मुरली में तो उस पर पूरा पहले विचार सागर मंथन चले। गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है कह तो दिया, खुद भी कानों से सुन लिया, दूसरों को सुना भी दिया, गीता भगवान कृष्ण नहीं है शिव है, लेकिन खुद कुछ भी नहीं समझे तो लोग नहीं मानेंगे। क्या आज दुनिया के लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है शिव है? कब मानेंगे है? तब मानेंगे जब पहले हम विचार सागर मंथन करके पक्का कर लें कि गीता का भगवान कृष्ण कैसे नहीं है। अभी संगम युग में कृष्ण कहाँ है, कहाँ था है? कहाँ था कृष्ण वाली आत्मा, कहाँ थी संगम युग में, थी कि नहीं थी है? नहीं थी। कृष्ण वाली आत्मा जो 84 जन्म लेती है वो संगम युग में थी नहीं, कहाँ थी है? कहाँ थी? थी माने पास्ट में, अभी की बात नहीं पूछ रहे हैं। अरे माउंट आबू में दादा लेखराज के तन में कृष्ण की आत्मा ही थी या कोई दूसरी आत्मा का शरीर था? कृष्ण की आत्मा थी, तो कृष्ण की आत्मा तो है ना वो, लेकिन वो गीता का साकार भगवान नहीं है। क्या? गीता का साकार भगवान कृष्ण अर्थात दादा लेखराज वाली आत्मा नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल विचार सागर मंथन किया ही नहीं, उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना। अगर बाप को पहचाना होता तो प्रूफ होना चाहिए कि नहीं है? क्या प्रूफ है इस बात का, क्या प्रूफ है कि दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण ने बाप को नहीं पहचाना? अरे सुनते हैं समझते हैं, सुनते हैं समझते हैं। प्रूफ ये है कि अगर उन्होंने पहचाना होता तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम न रखते, बाप का नाम पहले होता। होता कि नहीं होता? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम नहीं था, क्या नाम रख दिया? ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी नाम, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम रख दिया। अर्थात ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का सरपरस्त मुखिया कौन हुआ? ब्रह्मा। भगवान तो नहीं हुआ? ब्रह्मा भगवान का नाम है या मनुष्य का नाम है? मनुष्य का नाम है। बाबा ने बाद में मुरलियों में ये बात समझाई, क्या सुनाई कि अब तो
ये दोनों शरीर ही खत्म होने वाले हैं। क्या ब्रह्मा सरस्वती दोनों खलास होने वाले हैं। तो बाबा ने ये बात समझाई अंत में कि अरे तुम क्या करते हो, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कहते हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, इससे पहले क्या नाम रखना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम रखना चाहिए। ये जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी संस्था चल रही है, जो ईश्वरीय संस्था है, उसका मुखिया प्रजापिता है, ब्रह्मा मुखिया नहीं है। तो इससे ही साबित हो जाता है। क्या क्या साबित हो जाता है, है? कि कृष्ण और ब्रह्मा दादा लेखराज की आत्मा भगवान नहीं है। भगवान के ऊपर तो कोई होता है, भगवान के ऊपर कोई होता है, कोई नहीं होता। तो ब्रह्मा बाबा ने खुद ही नहीं पहचाना भगवान को, भगवान का साकार स्वरूप पहचाना ही नहीं यज्ञ के आदि में। कोई पूछे क्यों नहीं पहचाना, क्या कारण, तो क्या बताएंगे, हैं? मोह है? नहीं, इसलिए नहीं पहचाना कि जिस तन के द्वारा उनको साक्षात्कारों का अर्थ मिला, वो तनधारी भागीदार उनकी दुकान का मैनेजर था। मैनेजर महीने में पैसा लेता था इनसे, नौकर था। मैनेजर कौन होता है, नौकर होता है। तो जो नौकरी करने वाला नौकर था, उसको नीची दृष्टि से देखता है मालिक या ऊंची दृष्टि से देखता है, नीची दृष्टि से देखते थे देह अभिमान के कारण। तो कैसे समझेंगे, इसलिए उन्होंने बाप को नहीं पहचाना। और कोई उल्टा भी सोचते नहीं, हैं? फिर कोई उल्टा भी सोचते हैं बाबा के मूल्यों का, कुछ ना कुछ मंगन करते हैं, फिर दूसरों को समाप्त करते हैं क्या? फिर कोई उल्टा भी सोचते हैं तो बाबा को चिंता मन, मूल्यों को चिंता मन करके सुना सकते हैं दूसरों के बोलने। उल्टा सोचते हैं माने मनन चिंतन मंथन नहीं करते, या उल्टा मनन चिंतन मंथन करते हैं तो वो दूसरों को सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं? अच्छा, तो जो भी मंथन किया जाता है, उन मंथन करने वालों की बुद्धि में ये तो आना चाहिए कि मंथन करने वालों में जो भी देवताएं और दानव हैं, जो भी राक्षसों ने सागर मंथन किया, देवताओं ने सागर मंथन किया, उनका मुखिया कौन है? अरे सागर मंथन करने वालों में, देवताओं में, राक्षसों में कोई मुखिया है या नहीं है, कौन है? यहाँ सागर विचार, सागर मंथन की बात आई शास्त्रों में, तो उसमें कोई किसी को बड़ा माना या नहीं माना, हा? किसको बड़ा माना, हा? अरे जब हाला हाल विष निकला तो उस विष को किसने पिया, सब भाग गए या कोई खड़ा रहा? सब भाग गए, घबरा गए। तो किसने पिया, शंकर ने पिया, तो वही तो मुखिया हो गया। तो विचार सागर मंथन करने वालों की बुद्धि में होना चाहिए कि नहीं, ये विचार सागर मंथन का मुखिया कौन है, हैं? तो वेरीफाई करना चाहिए कि नहीं, कि हम शिवो हम हो गए, हैं? कि हमने जो विचार सागर मंथन किया वो ही सच्चा, वेरीफाई कर सकते हैं ना? तो वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई करो। अगर राइट है तो सुनाओ, राइट नहीं है तो मत सुनाओ। जो विचार सागर मंथन किया हुआ रखा है पहले से, वो बातें राइट तुम्हें लगी हैं तो उनको सुनो। और बाबा आज मुरली में आए ना, उनको ज्ञान मिल रहे हैं, हैं?
उनको ज्ञान मिल रही है उनको। हाँ तो मतलब जब ब्रह्मा बाबा में शिव जब ज्ञान देते थे उसी समय ही प्रजापिता वाले आत्मा को मिलती थी। यज्ञ के आदमी जो ज्ञान मिल चुका ना वो विनाशी है या अविनाशी है? हाँ वो अविनाशी ज्ञान भरा पड़ा है। एक शब्द भी मुरली का अगर उस आत्मा में आ जाएगा तो वो उसके विस्तार में चला जाएगा। और फिर बाबा तो तुम बच्चों को इमर्ज करके बोलते हैं, है? मैं इनको सुनाता हूँ या तुमको सुनाता हूँ? इनके कान तो बीच में सुन लेते हैं, मैं इनको थोड़ा ही सुनाता हूँ। ये तो बुद्धू है, बच्चा है, किसको सुनाता हूँ? तुमको सुनाता हूँ। तो तुमको मैं नंबरवार है या एक ही है? नंबरवार। तो जिनको सुनाता हूँ, जिन पर बाबा की वो टिकी हुई है आस्था कि इनको सुनाने से फायदा होगा, वही समझेगा, वही विचार सागर मंथन पहले करेगा, नंबर बार करेगा। और बाबा शास्त्रों में कहा गया कि धर्म व्यक्तिगत होता है, क्या धर्म व्यक्तिगत होता है? अगर व्यक्तिगत है तो बेहद में श्रीमत की व्यक्तिगत तरीके से लागू होती है। धर्म को व्यक्तिगत कहते हैं। हाँ। तो धर्म अगर व्यक्तिगत है तो श्रीमत के ऊपर भी लागू होते हैं क्या? श्रीमत के ऊपर धर्म लागू होता है। तो श्रीमत जो कुछ बाबा सुनाते हैं उस श्रीमत को सब एक जैसा समझते हैं या अलग अलग समझते हैं? तो व्यक्तिगत हुआ या सामूहिक हुआ श्रीमत? है श्रीमत भी व्यक्तिगत है और आत्मा भी अपनी व्यक्तिगत है। हर एक की आत्मा में अपनी अपनी समझ है, हर एक की आत्मा अपने अपने तरीके से बाबा के ज्ञान को उठाती है कि सब एक जैसा उठाते हैं? है अपने अपने तरीके से उठाते हैं। हाँ तो आदि में शिव पिता राम की आपकी तरह कर रहे थे ना? है आदि में शिव पिता राम की आदि में राम की आदि में प्रवेश कर रहे थे ना? राम की आदमी को माना मत है बाबा, उनको माना मत है क्या? शिव परस इसको पता चलता है? इसको पता चलता था क्या? पता चलता था मेरे में शिव है करके, जब एक भी का आदमी है राम वाले आत्मा में शिव ने प्रवेश किया ना, इसको पता चलता था क्या? ऐसे पूछ रहे भगवान की प्रवेशता का कब आता है कब जाता है किसी को पता चलता है? नहीं चलता, नहीं चलता, क्योंकि वो तो निराकार है, पता ही नहीं चलता कब आया कब गया। इन ब्रह्मा को पता चलता है, ये नहीं कहा इस ब्रह्मा को पता चलता है। क्या कहा? ये नहीं कहा इस ब्रह्मा को पता चलता है, इस नहीं कहा, क्या कहा? अरे इन ब्रह्मा को पता चलता है। ब्रह्मा तो मुख्य रूप से दो हैं कि नहीं? एक टेम्परेरी रथ और एक मुकर्रर रथ। तो ये जो दो मुख्य ब्रह्मा हैं इनको पता चलता है क्या? अरे इनको पता चलता है क्या? मुरली में पूछा है, क्या जवाब देंगे? हैं? नहीं पता चलता। अगर पता चल गया होता कि मेरे में शिव भगवान है तो यज्ञ छोड़ के भागता? हैं? नहीं, क्यों भागे? यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा छोड़ करके क्यों भाग गई? हैं? क्योंकि पूरा ज्ञान जिसके अंदर भगवान प्रवेश कर जाएगा उसके अंदर पूरा ज्ञान होगा या अधूरा ज्ञान होगा? है भगवान में प्रवेश कर जाएगा जिसके अंदर भगवान बाप प्रवेश कर जाए, ज्ञान सागर प्रवेश कर जाए, उसमें अधूरा ज्ञान होगा या पूरा ज्ञान होगा? है तो उसका निश्चय नहीं था उनको, किनको? राम वाली आत्मा को ये पक्का निश्चय नहीं था कि शिव भगवान मेरे में प्रवेश है। कब निश्चय हुआ?
अरे निश्चय हुआ कि नहीं हुआ है, या अभी हुआ है? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? कब हुआ? 76 में जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष आया तब निश्चय हुआ ज्ञान के आधार पर। उस समय ज्ञान विचार सागर मंथन करके बेसिक में जब आया वो आत्मा, तो विचार सागर मंथन करके पक्का कर लिया। क्या पक्का कर लिया? कि अमुक व्यक्तित्व ही भगवान का साकार रूप है, दुनिया में दूसरा कोई व्यक्ति भगवान का साकार रूप नहीं हो सकता, फिर कोई नहीं हिला सकता। और ओम शांति।